नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाटरिंग आईज के बारे में। बहुत सारे लोग ओपीडी में आते हैं और उनकी ये कंप्लेन होती है कि मेरे आंखों से पानी निकलना बंद नहीं होता। मैंने ना जाने कितने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया है, कितनी सारी आई ड्रॉप डाली है, कितनी सारी दवाइयाँ खा ली हैं, लेकिन फिर भी मुझे मेरी दिक्कत में बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा, आंखों से अगर आपके पानी निकलता रहता है तो उसकी क्या वजह होती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका सही इलाज क्या होता है, इस बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये समझने के लिए कि आंख से आंसू निकलते क्यों हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आंखों में जो आंसू होते हैं वो बनते कहाँ हैं और वो किस रास्ते के थ्रू ड्रेन होते हैं। उसके लिए मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगी। इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो एक लैक्रिमल ग्लैंड है। ये लैक्रिमल ग्लैंड वो हिस्सा होता है जहां पर हमारे आंख में आंसू या पानी बनता है। फिर लैक्रिमल ग्लैंड से पानी आंख को गीला करते हुए निकल जाता है और फिर ये जो दो ट्यूब होती हैं इनकी सहायता से ये हमारे नाक के रास्ते निकल जाता है। नॉर्मल सिनेरियो में जितने आंसू या जितना पानी बनता है उतना ही आंसू या उतना ही पानी इन नलियों के रास्ते निकल जाता है। लेकिन अगर मान के चलिए कि दो सिचुएशन है, या तो आंख में पानी बन ज्यादा रहा है या फिर जो निकलने का रास्ता है उसमें कोई तकलीफ है, तो इन दोनों सिनेरियो में हमारा जो पानी है वो आंख में इकट्ठा होता रहेगा। और अगर पानी जब आंख में इकट्ठा होता है तो हमारी आंख की पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो जाहिर सी बात है कि हमारे आंख से बाहर निकलता रहेगा और इसी को हम लोग वाटरिंग ऑफ आईज बोलते हैं या फिर आंख से पानी निकलना बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन सिनेरियो की या उन सिचुएशन की जिन सिचुएशन में हमारी आंख में पानी बनता ज्यादा है या फिर जो हमारी लैक्रिमल ग्लैंड है या जो आंसुओं की जो ग्रंथि होती है वो ज्यादा आंसू निकालती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आंख में आंसू ज्यादा बनते क्यों हैं। इसका जो सबसे कॉमन कारण होता है वो होता है इमोशनल स्ट्रेस। अगर आप मान के चलिए किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश हैं या बहुत ज्यादा दुखी हैं तो वो एक इमोशनल स्टेट होती है जिसमें कि हमारे आंसुओं की जो ग्रंथि होती है या जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है वो बहुत ज्यादा आंसू बनाता है और वो हमारी आंख के रास्ते से निकलते हैं। इसका कोई मेडिकल कॉज नहीं होता है और ये समस्या खुद से ही ठीक हो जाती है और इसी को हम लोग खुशी के आंसू भी कहते हैं। दूसरी चीज होती है कि अगर हमारी आंख में, हमारी पलक में कोई स्टाई है या फिर कोई फुड़िया, फुंसी या गुहेरी है तो उसकी वजह से भी हमारे आंख में आंसू ज्यादा बनते हैं। अगर हमारी जो पलक है, ये जो पलक है ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई है तो इसके जो बाल होते हैं वो हमारी पुतली पर रगड़ खाते हैं और उसकी वजह से भी आंख में आंसू ज्यादा बनते हैं और इसे हम लोग ट्रिकियासिस बोलते हैं। तीसरी कंडीशन होती है कि अगर हमारे आंख की जो पुतली है, जो काला हिस्सा है, उसमें कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो, जो हमारे आंख की जो कंजंक्टिवा है उसमें कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो, जैसे कि आई फ्लू हो हमें आंख में, या फिर जो हमारी आंख का सफेद हिस्सा है मतलब जो स्क्लेरा है उसमें अगर हमें कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो, तो इन सारी चीजों में हमारी आंख में बहुत ज्यादा आंसू बनते हैं और वो हमारी आंख से बार बार बहते हैं। तो ये तो सारी चीजें हुई कि हमारे आंख में आंसू ज्यादा बन क्यों रहे हैं। देखिए, ये सारी चीजों का जो कारण है वो एक मरीज खुद से जज नहीं कर सकता है और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जब डॉक्टर आपका एक स्लिट लैंप पर या मशीन पर पूरी जांच करेगा वो तो ही बता पाएगा कि जो आपकी आंख में आंसू ज्यादा निकल रहे हैं वो किस वजह से निकल रहे हैं, कि वो ज्यादा बन रहे हैं या फिर उनके जो निकलने का रास्ता है उसमें कोई दिक्कत है। अब दूसरा कारण होता है कि हमारे आंख में आंसू तो नॉर्मल बन रहे हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, जो आंख में जो आंसू बनते हैं और जो निकलते हैं उसके लिए एक पंप मैकेनिज्म होता है। ये वैसे ही है, मोटर का पंप आप मान लीजिए, जैसे कि आप पानी ऊपर किसी टंकी में चढ़ाते हैं या फिर जमीन से पानी को निकालते हैं, तो वैसा ही एक पंप मैकेनिज्म हमारी आंख में भी होता है। और ये पंप मैकेनिज्म क्या करता है कि जो आंसू हमारे आंख में यहाँ बनते हैं उसको एक तरीके से खींच लेता है। तो अगर ये पंप मैकेनिज्म विद एज आपका उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है तो हमारी आंख से आंसू बहने लगते हैं।
या फिर अगर जो हमारे आंसुओं की जो नली या जो नाली है उसमें कोई परेशानी आ गई है, जो आंसुओं की जो यहाँ पर जो छेद है, एक यहाँ पर एक छेद होता है उसे हम लोग पंक्ता बोलते हैं। नॉर्मली वो पंक्ता एक छोटा सा छेद होता है जिससे आंसू बहते हैं, लेकिन अगर ये पंक्ता बंद हो गया है तो हमें आंख से आंसू बहने लगते हैं, या फिर पंक्ता के बाद में जो हमारे आंसुओं की जो नली है, जो दो नलियां आपस में जुड़ के एक नली बनाती हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत हो गई है, उसमें कोई ब्लॉकेज हो गया है, तो उसकी वजह से भी हमारे आंख से आंसू बहने लगते हैं। अब बात करते हैं, ये तो देखिए मैंने आपको बताया कि क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आंख में से आंसू निकलते हैं या पानी बहता रहता है। अब बात करते हैं कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपके क्या क्या चेकअप करेगा और किस तरीके से वो ये पता लगाएगा कि आखिर में दिक्कत है कहाँ पर। डॉक्टर आपका इनिशियल चेकअप करने के बाद एक सिरिंजिंग करके एक जांच की जाती है। सिरिंजिंग में एक थोड़ी बहुत पतली सी सुई आपके ये जो पंक्ता होते हैं उसके रास्ते से आपके आंसुओं की नली में डाली जाती है और उस सिरिंजिंग के माध्यम से या उस सिरिंज के माध्यम से आपके उस नली में पानी डाला जाता है। अगर ये पानी आपको गले में महसूस होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो आंसुओं का जो नली का जो रास्ता है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको पानी गले में महसूस नहीं होता है और पानी वापस पलट कर आपकी आंख में आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके आंसुओं की नली में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। जैसे कि अगर बरसात के सीजन में कोई नाला बंद हो जाता है कूड़े करकट की वजह से तो पानी पलट के वापस आने लगता है, ये लगभग वैसी ही एक स्थिति होती है। इसके इलाज के लिए एक ऑपरेशन होता है जिसे हम लोग DCR बोलते हैं। DCR ऑपरेशन दो तरीके से किया जाता है, या तो वो बिना बाहर एक चीरा लगाए नाक के रास्ते से किया जाता है तो वो कॉस्मेटिकली ज्यादा बेहतर रहता है और उसमें आपके ऊपर चेहरे पर या आंख के आसपास कोई चीरा नहीं आता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल DCR आप बाहर से करवा रहे हैं, मतलब यहाँ पर चीरा लगवा के करवा रहे हैं, तो वो भी अच्छा रहता है लेकिन उसमें चीरे का निशान आता है। तो अधिकतर लोग ये जो नाक के रास्ते से जो DCR का ऑपरेशन होता है वो करवाना पसंद करते हैं। इसके अलावा आंख से पानी आने की एक बहुत बड़ी वजह होती है ड्राई आई। अब आप लोग ये पूछेंगे कि अगर ड्राई आई है तो आंख में तो पानी कम बनना चाहिए और आंखें तो सूखी रहनी चाहिए, तो आंख से पानी क्यों आता है? जब भी हमें आंखों में ड्राइनेस होता है तो हमारा एक सिग्नल, हमारी आंख से सिग्नल हमारे दिमाग तक जाता है और हमारा दिमाग कहता है कि आंखें सूख रही हैं तो ज्यादा आंसुओं को बनाया जाए। तो जब ये ज्यादा आंसू बनते हैं तो वो ज्यादा सीक्रेशन होता है, ज्यादा आंसू बन रहे हैं तो वो हमारे आंख के रास्ते से बहने लगते हैं। इसलिए ड्राई आई भी एक वजह होती है आंख से बार बार आंसुओं के निकलने की। एक और बहुत कॉमन वजह होती है बूढ़े लोगों में कि जब हमारी आंख में आंसू नॉर्मली बन रहे हैं, हमारी आंख में आ रहे हैं, तो जो हमारी पलक है वो हमारे इस आंख से बिल्कुल चिपकी हुई होनी चाहिए। उसी स्थिति में ही जो आंसू है वो आराम से उस छोटे से छेद या पंक्ता से निकलकर बाहर चले जाते हैं। लेकिन अगर बूढ़े बुढ़ापे में ऐसी स्थिति नहीं है, खाल लटक जाती है, हमारी पलकें भी लटक जाती हैं, तो ये जो पंक्ता होता है वो हमारी आंख से थोड़ा सा दूर हो जाता है और इसी वजह से जो पानी होता है वो उस पंक्ता के रास्ते से बह नहीं पाता है और फिर वो ओवरफ्लो होकर हमारी आंख के रास्ते से निकलने लगता है। तो अगर आपको आंख से बार बार पानी आ रहा है, लगातार पानी आ रहा है और आप इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो एक अच्छे आई डॉक्टर को दिखाइए ताकि उसका कारण अच्छे से समझ में आ सके, ताकि उसका सही से इलाज हो सके। आंख से पानी निकलने के बारे में जो जानकारी मैंने दी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आंख की किसी भी बीमारी के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।